Hello everyone, welcome to Shyama's Makeover. How are you, all of you? And today I'm gonna teach you this beautiful long to short haircut, long to short bob haircut tutorial. This is called long bob haircut. As you can see, long to short haircut tutorial, which is like amazing long bob tutorial. आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि कितना easy है इस haircut को करना. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है. एज यू कैन सी सच अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हियर. यू कैन सी बिफोर एंड जस्ट वेट फॉर अ मूवमेंट एंड दिस इज ओहो अमेजिंग आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन. सो गाइज, अगर आप लोग चैनल में पहली बार विजिट किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. जी हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा एंड यू कैन सेलेक्ट द ऑल ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. यू विल सी द ऑल द नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट वीडियो. सो वाई आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इनके बाल जो हैं हम पहले रेंडमली चॉप कर रहे हैं. एज यू कैन सी, येस नाउ वी चॉप्ड इट. फ्रंट के बालों को सेक्शन क्लिप से टक करके सेपरेट रखना है. सिर्फ और सिर्फ बैक के बालों को ही रेंडमली चॉप किया है. जितना चाहिए था उसे थोड़ा सा लॉन्ग रखा है. अब हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रोफाइल सेक्शन किया. सेंटर प्रोफाइल सेक्शन करने के बाद बैक से दो पार्ट में डिवाइड किया है और पार्टीशन है ये. फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, यू नो फॉरवर्ड डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन हमने लिया है. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायगनल बैक नहीं है ये गाइस. अगर हम ध्यान से देखेंगे, दिस इज़ डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन, ठीक है. और सबसे पहले डायगनल फॉरवर्ड जब आप लेते हो, यू नो तो क्या होता है, इससे डायगनल बैक में जो है सेंटर में हो जाता है, वी बन जाता है. डायगनल फॉरवर्ड में ए के जैसे बन रहा है सेक्शन. और उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम जो है यू नो स्ट्रेट कट करेंगे एकदम. यू नो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो शोल्डर में हमने स्ट्रेट कट किया और उसके बाद इसको हमने बेस बनाना है. सो नाउ टाइम फॉर अनदर सेक्शन. अभी हम यहाँ पे जो दूसरा सेक्शन लेते हैं वो भी हमने डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन ही लेना है. दोनों तरफ से सेक्शन क्लिप से टक कर देना है बालों को. अब हम वाटर स्प्रे से वेट करते हैं. कभी भी आप वाटर स्प्रे से वेट करते हो, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए कि यू नो फ्लोर में गिरने वाला पानी, वाटर नहीं होना चाहिए. इतना हो कि ड्रेन नहीं होना चाहिए वाटर बालों से. बेसिकली नॉर्मल आपने यू नो इतना वेट करना है कि आप हेयर कट कर सको. और बाल कोशिश कीजिएगा कि बाल गीले ही रहे. सबसे पहले वर्टिकल सेक्शन लेते हैं हम और उसके बाद यहाँ पे 45 डिग्री में कट करना है. अगेन हमने इसको 45 डिग्री में कट करना है. 45 डिग्री में हम कट कर रहे हैं, हमने गाइडलाइन मिल चुका है. अब हम लेते हैं इसी सेक्शन को, उठाते हैं और उठाने के बाद यहाँ पर हम नॉचिंग करते हैं. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉचिंग. पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ नॉचिंग क्या होता है. नॉचिंग इज़ बेसिकली पॉइंट कटिंग होता है. बेसिकली पॉइंट्स को आप कट करते हो, रेंडमली आप कट कर रहे हो, राइट. और इससे जो रिजल्ट है, जो बल्क हेयर होता है, हैवीनेस को बेसिकली हम रिड्यूस करते हैं. सो ऑफकोर्स जब हैवीनेस ही रिड्यूस हो जाएगा बालों से, क्योंकि ऑफकोर्स उसके बाद हेयर जो है ऑटोमेटिकली नेचुरल भी अच्छा फॉल करेगा. लेकिन ये आप उन्हीं बालों पर करना जिनके बाल थिक हो, हैवी हो. पतले बालों पे बिल्कुल नहीं करना. किसी के बाल स्ट्रेट है या थिक है तो ही आप नॉचिंग करो, अदरवाइज अवॉइड करना नॉचिंग, ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे दोनों तरफ से मैं देखती हूँ और सारा जो भी मैं कट करूँगी, लेफ्ट के बालों को सेंटर में लाई और राइट के बालों को सेंटर में ला के आपने कट करना है. मैं दूसरे सेक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. मैंने यहाँ पर चेकिंग किया और मैंने देखा इट्स ऑलमोस्ट बेस्ट. अब मैं यहाँ पर फिंगर का डायरेक्शन स्ट्रेट रखूँगी. फिंगर स्ट्रेट रहेगा और यू नो दोबारा से चेकिंग करते हुए इसको करेंगे. सो गाइस, अभी हम ओवरऑल पूरा चेकिंग करने के बाद अब हम आते हैं यू नो नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट सेक्शन में. तो जब नेक्स्ट सेक्शन आप लेते हो उसमें भी आपने डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन लेना है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप मैं पॉइंट्स में नॉचिंग दे रही हूँ. अब हम लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड नेक्स्ट सेक्शन, सेकेंड लास्ट सेक्शन है. और यहाँ पे सबसे पहले सेंटर वाले बालों को लेते हैं हम और 45 डिग्री में ले जाते हैं और यहाँ पे हम कट कर रहे हैं. फिर अगेन हमने उठाया, फिर 45 डिग्री में ले रहे हैं, फिर कट कर रहे हैं.
लेकिन ध्यान दिया होगा आपने, जब मैं ऐसे कट कर रही हूँ, मैं गाइडलाइन को नहीं काट रही हूँ, और यहाँ पे बॉटम बॉटम में हम इसको नॉचिंग देंगे, विच इज़ कॉल्ड पॉइंट कटिंग। पॉइंट कटिंग में हमने नॉचिंग देना है। योर कट हैज़ टू बी यू नो मोर यू नो अनटाइडी ऑन द बॉटम। इससे क्या है, जितना भी बल्की हेयर है वो रिड्यूस करते हैं नॉचिंग से, और उसके बाद जो हेयर कट है आफ्टर हेयर कट भी, आई मीन विदाउट ब्लो ड्राई भी, वॉश के बाद भी प्रेजेंटेबल लगता है, राइट? ऑफकोर्स ब्लो ड्राई का तो एक अलग ही रिजल्ट होता है, लेकिन अगर ब्लो ड्राई भी नहीं कर रहे हो आप, तो नेचुरल भी वो लुक बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो गाइज, आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, आई नो दैट, बट आप इसको आप रेगुलर क्लाइंट्स के ऊपर आप स्टार्ट करो करना। मैं बताना चाह रही हूँ एग्जैक्टली यही रिजल्ट आएगा। सो कीप वॉचिंग, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइज। और हाँ, मैं बताना चाहती हूँ गाइज कि हमारी 10th of July यानी कि कल से हमारी ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे मैं हेयर कलर सिखाती हूँ। अगर आप लोग बिगनर्स हैं और मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, ज़रूर मुझे कॉल कीजिएगा। टुमारो इज़ द लास्ट डेट टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर 8th batch ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस, बिकॉज कल हमारी जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं, साल का लास्ट बैच है। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहता है, आप सीखते हैं, ग्रो करते हैं। बिगनर्स के लिए दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी बेस्ट फॉर ऑल द बिगनर्स। सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9871369576। यू कैन बुक योर सीट फॉर 8th batch। थैंक यू। सो अभी हम आते हैं, धीरे धीरे करते हुए हम इन पूरे बॉटम हेयर को कट करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा बहुत ही लेस कट कर रही हूँ। ऑलरेडी जब आप चॉप कर देते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग ही करनी पड़ती है, बट ऑफकोर्स फिनिशिंग भी ज़रूरी है। कई बार लोग घर पे भी इस तरह से कट कर देते, फिनिशिंग नहीं करते, फिर भी हेयर कट अच्छा ही लगता है। बट हाँ, फिनिशिंग के लिए आपको देखिए, यहाँ पे राइट साइड में जब आप जाते हो, आपका फिंगर का डायरेक्शन टूवर्स बॉटम रहता है, और लेफ्ट साइड में जब कट करोगे, फिंगर का डायरेक्शन टूवर्स अप रहेगा। इस तरह से आपने लॉब करना है, एंड दिस इज़ लॉब हेयर कट। अगर आप देखोगे शोल्डर तक टच कर रहे हैं, विच इज़ लॉब। थोड़ा शॉर्ट होता तो आई कैन से दैट दिस इज़ बॉब, दिस इज़ लॉब हेयर कट, लॉन्ग बॉब हेयर कट। एक्चुअली लॉन्ग टू शॉर्ट लॉन्ग बॉब हेयर कट, ठीक है? साथ साथ देखेंगे, मैं यहाँ पे चेकिंग कर रही हूँ। चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो गाइज, नाउ टाइम फॉर फ्रंट सेक्शन। अब फ्रंट के बालों को जब आप कट करते हो, फ्रंट के सारे बालों को आपने बैक में लेके आएंगे, और यहाँ पे फिंगर के डायरेक्शन के साथ मैच करना है। अगर आप ध्यान दोगे, हमारा फिंगर का डायरेक्शन टूवर्ड्स अप जा रहा है, बैक के बाल जो है हमारा गाइडलाइन है, गाइडलाइन को लेते हुए हमने फ्रंट के बालों को कट करना है। आपने देखा गाइडलाइन पीछे से आपको मिला है, बैक साइड से जो कटे हुए बाल है वो गाइडलाइन है, उसको कट नहीं करना। फ्रंट से सारे बालों को आपने पीछे लेके जाना है और इस तरह से कट करना है, ठीक है? अब सेम वे राइट साइड में भी आपने फ्रंट के बालों को बैक साइड में लेके आना है, और ऑफ कोर्स जो आपका गाइडलाइन है वो क्या है, बैक साइड के बाल आपका गाइडलाइन है, वो लेते हुए
फ्रंट के सारे बालों को कट करना है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर भी बहुत सारे बिगनर्स को ये हेयर कट सिखा सकती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गाइज मुझे आप लोग इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल में पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दीजिएगा। And if you are my sweet client and you wanted to get this hair cut with me, please contact my contact number is 9871369576. 9871369576. And here the time for blow dry. And he is David. He is like my younger brother. He is really very cute. Whenever I'm making video, he is very shy, camera conscious. He always hides his face. As you can see him. So, चलो द टाइम फॉर ब्लो ड्राई। यहाँ पे हम लोग ब्लो ड्राई करते हैं। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पे मैंने वॉल के ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ, मीडियम ब्रश एंड बिग साइज ब्रश। और आपने इनवर्ड्स करते हुए ब्लो ड्राई करना है, पहले सेंटर फिर लेफ्ट फिर राइट। बताना चाहती हूँ गाइज आज थोड़ा सा पीछे से साउंड आ रहा होगा आपको, यू नो वाई, बिकॉज इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग एंड सिंस टू डेज, सो दैट्स वाई इट्स लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बिंग। आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट। मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट डेली और यू नो ट्वाइस इन अ वीक एंड थ्राइस इन अ वीक एक वीडियो तो अपलोड करना बनता ही है ना गाइज, तीन वीडियो तो बनता ही है वन मतलब वीक में। तो आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सीखिए, ग्रो कीजिए। इसका जो प्रीवियस वीडियो था वो था 80% ग्रे हेयर कवरेज के साथ रेड बर्गंडी कलर कैसे कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन में आ जाएगा वो वीडियो, आप ज़रूर देखना या आप चेक करना जाके वीडियो, सच में वो बहुत अच्छा और थ्योरी है, आपको बहुत इन डिटेल्स में सीखने को मिलेगा। थ्योरी के साथ साथ कंप्लीट प्रैक्टिकल मैंने सिखाया, 3-4 कलर यूज़ करके मैंने वो कलर किया था, ज़रूर जाके देखना वो वाला वीडियो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ब्लो ड्राई करना है। और जब भी आप फ्रंट वाला सेक्शन करते हो, टॉप सेक्शन करते हो, तो आपका जो ब्रश है कोशिश करना थोड़ा सा बिग साइज़ ब्रश लीजिएगा और यहाँ पे हमेशा इसको उठाते हुए 90 डिग्री में उठाते हुए आपने इस तरह से ब्लो ड्राई करना है। कभी भी आप ब्लो ड्राई करते हो तो 90 डिग्री में उठाते हुए आपने इनवर्ड्स के साथ ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई की वीडियो देखना चाहते हैं जाइए यूट्यूब में, टाइप कीजिए ब्लो ड्राई बाय श्यामाज मेकओवर। इस तरह से कंप्लीट ब्लो ड्राई जब आप करते हैं एंड हियर यू कैन सी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। सो गाइस कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइए और चैनल में पहली बार है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा। और हाँ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय गाइज, सी यू वेरी वेरी सून, बाय।